बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया और उसके बाद से अब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस वक्त बंद है और डिस्ट्रिक्ट कचहरी जो है वो भी इस वक्त अदालतों को ताले लगे हुए हैं। वहाँ पे भी जो अदालती कार्रवाई है वो इस वक्त सस्पेंड है। इसके पीछे जो वजह बनी, वकला का एक अलग मौक़िफ़ है, लेकिन जो कल वाकया हुआ है उसके बाद तकरीबन 34 मुकदमे जो है वो मुख्तलिफ दिफात के तहत वकला के ख़िलाफ़ दर्ज किए गए हैं और अब तक जो वकला का मौक़िफ़ है वो मेनस्ट्रीम मीडिया पे नहीं आ रहा। तो हमने सोचा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं इनसे बात की जाए और इनसे पूछा जाए कि कल का जो वाकया था उसके बैकग्राउंड में मुहरिकात क्या हैं और अब आगे का ये क्या सोच रहे हैं कि इस मामले को कैसे डील करना है, कैसे टैकल करना है, क्योंकि इतने मुकदमात दर्ज हो गए हैं और पूरे मुल्क में एक जो है वो एक परेशानी की कैफियत है वकला कम्युनिटी में भी, क्योंकि बार और बेंच का जो रिश्ता है वो मुतासर हुआ है और ये कोई छोटा वाकया नहीं था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके दफ्तर पर अटैक हुआ है, वहाँ पे तोड़फोड़ हुई है और इतलात जो थी वो तो कुछ इससे भी आगे थी कि कुछ लोग जो है वो चीफ जस्टिस के गिरेबान तक आ गए थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको अब कैसे आप आगे ले कर चलेंगे? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच सर, आपने मौका दिया हमें बात करने का। मैं एक और अभी सहाफ़ी से बात कर रहा था तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैं अपने एक शेर के साथ आपसे बात का आगाज़ करूँगा। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आपने, मीडिया ने भी, आप हमारा मौक़िफ़ तो सुने, आप मुआशरे के सामने हमें अपनी बात तो रखने दें। आप जिस वक्त ये बात करते हैं कि जी वकला ने वकला गर्दी कर दी, ये दहशत गर्दी होगी, तो मुआशरे में हमारी क्या जगह रह जाती है, मुझे बताएं। आप हमारा मौक़िफ़ सुने उसके बाद बेशक करें। यहाँ पर जो सूरत हाल बनी है, जो रूट कॉज है इस सारी सूरत हाल की, वो रूट कॉज ये है कि वहाँ पर बनाए गए चैम्बर्स जो इलीगल थे, जो इररेगुलर थे, उनका गिराया जाना। वो बेशक आप गिराएं, हम आपके साथ हैं। इंतज़ामिया को भी हमने यही कहा है, हम अदालतों को भी यही, चीफ जस्टिस को भी यही चीज़ हम कह रहे हैं। हमारा, देखें, वहाँ पर किसी भी किस्म का क्योस क्रिएट करना वो हमारे अपने लिए नुकसानदेह है, लेकिन आप सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई करें ना। वो जो दो तीन जो चैम्बर्स बने हुए थे, जिस वक्त बार खुद कह रही है कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आप इससे ज़्यादा बढ़कर आपने मारना शुरू कर दिया उनको। आपने 10 साल पुराने चैम्बर्स गिराना शुरू कर दिए, आपने वकला के कंप्यूटर्स वहाँ पर चोरी कर लिए और वो जो जिनके रेगुलर चैम्बर्स थे उनको जिस वक्त आप गिरा रहे हैं, तो रात के 2:30-3 बजे जिस वक्त वो बेचारे सामने आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे नुकसान मत करो, आप उसको, उनको मारते हैं, आप उनको उठा के लेके जाते हैं, आप लेडी लॉयर्स के साथ बदतमीजी करते हैं। चौधरी साहब, एक बात बताइएगा कि जब आपके लोग आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो ये आते साथ ही सीधा इस्लामाबाद चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर की तरफ चले गए थे या उससे पहले आपकी किसी से बात हुई, उसमें कोई तलख कलामी हुई और फिर आप लोगों ने फैसला किया कि हम देखें जाएंगे? देखें, इसकी भी जो रूट कॉज है, जिस वक्त ये अटैक हो रहा था कचहरी के ऊपर इंतजामिया की तरफ से, 250 से ज़्यादा बंदा, इसी तरह से CDA के 150-200 लोग, ये सारे के सारे जिस वक्त मिलकर आए हैं, तो उनको एक और एक बंदा लीड कर रहा था जिसका नाम है, नायब तहसीलदार है अली जावेद, वो और उसके साथ कुछ प्राइवेट गुंडा अनासर जो उसके साथ थे जिस वक्त, उनसे जिस वक्त ये पूछा है कि ये किसके कहने पर जो रेगुलर जो शेड्यूल्ड चैम्बर्स हैं इनको गिराने का क्या जवाब है, तो उसने ये कहा कि हमें सेशन जज साहब ने और हमें चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर किया है। मैं फिर से बता दूं कि ये उसका मौक़िफ था जिसके ऊपर आप देखें कि वो जिनकी तबाही हो गई, वो जिनका नुकसान हो गया, वो क्या करेंगे, वो रिएक्ट नहीं करेंगे, वो उस जगह पे जाएंगे जहाँ से ये सारा कुछ हुआ है, उनके साथ बैठना चाहिए था, उनके साथ बात करनी चाहिए थी, उनको जगह देनी चाहिए थी। जिस वक्त आप जगह नहीं देंगे तो इसी तरह से आग फैलती है। अभी अगर FIR आपने करवाई है उनके खिलाफ, तो आपका क्या ख्याल है कि दिस इज़ ओनली अगेंस्ट इस्लामाबाद लॉयर्स? क्या पिंडी के वकील नहीं आएंगे आगे? क्या पेशावर के वकील हमारे KP के नहीं आएंगे आगे? क्या पंजाब के वकला सामने नहीं आएंगे? क्या सिंध बार काउंसिल के वकला सामने नहीं आएंगे? आपने पूरे मुल्क के साथ मथा लगाकर बैठ गए। जिस वक्त बार ये कह रही है कि हम एक्शन लेंगे उन इलीगल लोगों के खिलाफ जिन्होंने गलत किया, इसका मतलब ये है कि आप उनको मौका दें। आप हम तो आपसे रिलीफ लेने के लिए आते हैं, हम तो आपके साथ बैठने के लिए आते हैं, बात करने के लिए।
आपने FIR दे के आप खुद पार्टी बन गए, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो दोनों को बिठा के आप हमारी बात सुने, क्योंकि अभी हम अगर इनसे बात करते हैं तो FIR लेकर बैठेंगे। मुझे बताएं क्या पार्टी के साथ पार्टी की डायरेक्ट आपस में अगर बात हो तो क्या वो बात अब तय हो सकती है जिस वक्त डैगर्स ड्रॉन पे लोग आ जाएं? जो सर मेरा सवाल फिर वही है कि जो एक मॉब जिसने अटैक किया चीफ जस्टिस के चैम्बर पे, जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा तो उन्हें कौन लीड कर रहा था? क्योंकि हमने देखा है पहले भी बार के साथ जो मसाइल हुए हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हमेशा फ्रंट पे होते हैं, वो लीड करते हैं, क्योंकि बार के साथ उनका अपना एक ताल्लुक भी है, वो बार से जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बने हैं। तो पहले ये मुनासिब नहीं था कि आप लोग आते जब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी या चीफ जस्टिस बहुत हम्बल हैं, हम तो यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं कई साल हो गए, हमेशा वो बात सुनते हैं, तो पहले बात का रास्ता क्यों नहीं अपनाया गया, पहले आके अटैक क्यों किया गया? मैं अगेन दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास बेहतरीन जजेस हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं और वी रेस्पेक्ट हिम लाइक एनीथिंग। ये जितने जजेस आपने ये नाम भी लिए, ये सारे के सारे जजेस हम में से हैं, हम इनको ओन करते हैं, ये हमारी अदालत है और यहाँ पर अगर तकद्दुस पामाल हुआ है तो वो हमारा हुआ है, हम ये बात नहीं करते, हम कैबिनेट हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें जहाँ जिसने गलत किया उसको मिल बैठ के सॉर्ट करके रिजॉल्व करने की ज़रूरत थी, उसके ऊपर पार्टी नहीं बनते होते उसमें। अगर जिसने भी वो किया, वो आपने अभी खुद लफ्ज़ यूज़ किया, वो मॉब था, मॉब की कोई लीडरशिप नहीं होती है, मॉब मॉब होता है। आप मॉब को अगर आप पूरे लॉयर फ्रिटर्निटी के ऊपर उसको अगर आप फिट करके और उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर देंगे, इस चीज़ का कोई एंड नहीं है। Let us go for the end of this all. बिल्कुल, चीफ जस्टिस साहब ने कल एक रिलीज आई कि उसमें कहा गया है कि जितने लोगों ने अटैक किया है उनके लाइसेंस कैंसिल करने के लिए रेफरेंस भेजा जाएगा बार को, तो उस पर आप क्या एक्शन लेंगे? हम यही, दिस इज व्हाट, ये तो हमारा मौकफ है, यही तो हमारा मौकफ है कि जिन्होंने गलत किया बार एसोसिएशन मौजूद है, उनके खिलाफ एक्शन लें। आपका जवाब बनता है बात करने का, आप कब करेंगे? जिस वक्त हम एक्शन नहीं लेते। अब कल के वाकये के बाद क्या हमें इतना टाइम नहीं देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी नहीं देनी चाहिए कि हम अपना इजलास बुला सकें? क्या हमें वहाँ पर उन लोगों को सुनना नहीं चाहिए? क्या उनका मौकफ देखने के बाद उनके खिलाफ एक्शन लेने से पहले क्या कानून यही कहता है, क्या हमें कानून के मुताबिक काम नहीं करना चाहिए उस पर? तो ये वैसे हम हर दो माह बाद तीन माह बाद चैम्बर्स गिराए जाने का वाकया होता है, इंतजामिया आ जाती है, वकला से भी हाथापाई होती है, एक लंबे अरसे से देख रहे हैं, वो फुटबॉल ग्राउंड वाला भी मसला हुआ, फिर उसके बाद बटकड़ाई के सामने जो पार्किंग है वहाँ पे भी हुआ, फिर अब ये हो गया, इसका मुस्तकिल हल क्या है? जी बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। इस्लामाबाद के मास्टर प्लान में, ये हैरान कन बात मैं मीडिया के आगे रख रहा हूँ, इस्लामाबाद के मास्टर प्लान में कहीं भी जुडिशल कॉम्प्लेक्स की जगह नहीं है, ये हमारी बदकिस्मती है। और अभी तक हम वहाँ पर किराए की जगह पर दुकानों में अदालतें लगाकर बैठे हुए हैं, और वहाँ पर CDA की जगह पर हम चैम्बर्स बना के जिनको रेगुलराइज किया इन्होंने वो बैठे हुए हैं। तो जब तक इसका मुकम्मल और पुख्ता कोई हल नहीं निकलता, ये डे बाय डे, हम इस चीज़ को क्यों भूल जाते हैं कि आबादी बढ़ने के साथ साथ वकला की आबादी भी बढ़ रही है, और जब आबादी बढ़ती है तो उनको जगह चाहिए होती है, जब उनको जगह चाहिए होती है तो यही गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के जो इदारे हैं यही सामने आते हैं फैसिलिटेट करने के लिए। सॉरी टू से, कभी भी किसी ने ना वकीलों का सोचा, ना कभी ना कभी जुडिशरी का सोचा कभी किसी ने, और ये जो केओस बना है ये इसी वजह से बना है कि नो बॉडी एवर थॉट ऑफ इट। अभी नुकसान किसका है? ये अदालतें, ये कॉर्डन ऑफ हुआ, ये सारा, ये नुकसान किसका है? क्या ये वकीलों का, क्या ये हमारी फ्रेटर्निटी का, क्या इस पूरे निज़ाम का नुकसान नहीं है? लेकिन क्या ये जो चैम्बर्स भी गिराए गए, क्या ये हमारा नुकसान नहीं था? जो चीफ जस्टिस की अदालत का जो वहाँ पर जो सूरत हाल बनी, क्या ये हमारा नुकसान नहीं है? जिस वक्त हम ओन करते हैं सबको, तो हम चाहते हैं हमें भी ओन किया जाए। हमें मुआशरे में ऐसी गंदी तस्वीर आप बनाकर हमारी खड़ी कर देते हैं सामने लोगों के, कि हमें मुआशरे में लोगों को फेस करना मुश्किल हो जाता है, कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं होता, कोई इस चीज़ को देखने को तैयार नहीं है कि जो ये चीख रहे हैं इनको कोई तकलीफ है तो जिसकी वजह से ये बात कर रहे हैं। आखिरी सवाल कि ये FIR आपने हाथ में पकड़ी हुई है, जिन जिन लोगों को नामजद किया गया है क्या वो जमानत कबलस गिरफ्तारी के लिए अदालत से रजू करेंगे? अदालतें तो बंद हैं, यही जो जिस चीज़ का रोना है वो यही है कि फराहमी इंसाफ का जो काम है वो तो बंद कर दिया गया, विच इज़ टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल भी नहीं है, टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल।
अब आप जिस वक्त जो सूरत हाल अदालतें खुलेंगी तो उसके बाद अगली सूरत हाल अगला लाहा अमल देखा जाएगा। फिलहाल बार काउंसिल, दोनों की दोनों बार एसोसिएशंस, हम खुद सॉर्ट आउट करेंगे ये गलती किसकी है, ये कहां पर हुई है। लेकिन इस एफआईआर के बाद अब मजबूरन अब हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ बैठना पड़ेगा ताकि हम इसका मुकम्मल तौर पर एक बेहतरीन हल निकाल सकें इसका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सेक्रेटरी जनरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हमारे साथ थे, उनका आपने तफसील से मौकफ सुना कि वाकये के पीछे मुहर्रिकात थे और अब आगे क्या होने वाला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चारों अतराफ आने वाले जो रास्ते हैं वो जो है खारदार तारें लगाकर और बैरियर लगाकर बंद किए गए हैं। पुलिस की नफरी के साथ साथ यहाँ पे रेंजर्स की भी नफरी तैनात की गई है और आज यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि तमाम केसेस जो हैं वो भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। अब इस मामले का मजीद जो फॉलोअप होगा वो भी इंशाल्लाह हम आपके साथ रखेंगे। थैंक यू सो मच।